नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, पिछली बार हमने भाषा, हिंदी भाषा पर एक वीडियो करी थी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी को वह वीडियो समझ में आया होगा। और आज हम हिंदी की मात्राओं के बारे में जानेंगे। आप यह ध्यान से देखिए, यह क्या है? क्या है ये? फूल। फूल में कौन सी मात्रा आती है? उ। बिल्कुल सही। यह क्या है मेरे पास? घड़ी। क्या है? घड़ी। घड़ी में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी ई की। ठीक है। यह क्या है मेरे पास? क्या है? पत्ता। पत्ते में कौन सी मात्रा आती है? आ की मात्रा। और इस पत्ते का रंग कौन सा है? हरा। कौन सा रंग है? हरा। उसमें कौन सी मात्रा आती है? आ की मात्रा। मैंने किस रंग का सूट पहना है? नीले रंग का। नीले में कितनी मात्रा आ रही है? एक या दो? दो मात्रा। ई की मात्रा और आ की मात्रा। अब ये क्या है मेरे पास? किताब। क्या है? किताब। कौन सी मात्रा आती है किताब में? एक ही मात्रा आती है? नहीं, दो मात्रा। दो मात्राएं आती है ना। तो ठीक है बच्चों, अब हम मात्राओं के बारे में और ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी में मात्राएं सीखेंगे। मात्राएं बच्चों स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। हम व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें स्वर की मात्रा के इस्तेमाल के लिए कोई चिन्ह चाहिए होता है, उसी चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों स्वरों के बारे में जानते हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से लेकर अह तक। ठीक है, अब हम अ से शुरू करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब आप सब पूछोगे कि क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब आप कोई भी अक्षर बोलते हैं तो अ की आवाज़ अपने आप ही उस अक्षर में आ जाती है। जैसे क बोलिए, गौर से सुनिए, पीछे आपको अ सुनाई दे रहा है। क बोलिए, पीछे आपको अ सुनाई दे रहा है। इसी तरह ख बोलिए तो पीछे आपको अ सुनाई दे रहा है। अब चलते हैं अगली मात्रा की तरफ, आ की मात्रा। अक्षर के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर वही अक्षर आ के उच्चारण में बदल जाता है। जैसे अ आ म आम, र आ त रात, छ आ त आ छाता, ग म ल आ गमला, ह आ थ हाथ, तारा ताला, गाजर बालक, अनार जहाज, अचार तबला कपड़ा। अब आप इन शब्दों को एक बार दोहराइए। बच्चों क्या आप पढ़ पा रहे हैं? शाबाश। अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। राजा जाग, अब नल पर जाकर नहा। प्रातः उठकर समाचार पत्र पढ़। खाना खाकर हाथ साफ कर। बाजार जाकर अपना सामान लाकर रख। घर पर जाकर अपना पाठ याद कर।
आइए कुछ वाक्य दोबारा पढ़ते हैं। राजा जाग अब नल पर जाकर नहा, प्रातः उठकर समाचार पत्र पढ़, खाना खाकर हाथ साफ कर, बाजार जाकर अपना सामान लाकर रख, घर घर जाकर अपना पाठ याद कर। किसी अक्षर में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर वही अक्षर ई या ई के उच्चारण में बदल जाता है। ई न आम इनाम, ईख, ग ई ल आस गिलास, ह ई र न हिरन पहिया, डाकिया साइकिल, चिड़िया किताब, किसान इमली, मछली घड़ी, दिया बकरी, मकड़ी पपीता, धरती मिठाई, तितली। पढ़िए और दोहराइए। अजय चल सड़क पर, बस आई झटपट चढ़, अगर मगर मत कर, पाठशाला जाकर पढ़ाई करना, इधर उधर मत जाना, घर वापस आना। दादी बाजार जाकर मिठाई लाई, भगवान की आरती की, दीपावली की बधाई दी, खाना खाकर चली गई। बाहर माली की आवाज आई, माली काम पर आया था, वह बकरी भी लाया, बकरी हरी हरी घास खा रही थी। एक चिड़िया उड़कर इधर आई, यह चिड़िया गाना गा रही थी, फिर वह तिनका लाई। अब आप इसको अगली मात्रा पर चलते हैं। किसी अक्षर में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जोड़ने पर वही अक्षर ऊ या ऊ के उच्चारण में बदल जाता है। जैसे प उ ल पुल, ग उ ल आब गुलाब, स उ र ज सूरज, क छ उ आ कछुआ कुर्ता बुलबुल, आलू भालू कबूतर खरबूजा तरबूज। एक बार दोहराइए। केवल र ऐसा अक्षर है जिसमें उ या ऊ की मात्रा नीचे ना लगकर उसके पेट में लगती है। रुपया रुधिर रुचि रुख, मात्रा ना नीचे लग रही है। चाहे वो बड़े ऊ की मात्रा हो या छोटे। आइए इन मात्राओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक दिन सुबह ही कछुआ धीमी चाल चलता हुआ नदी के पास गया। सूरज निकल आया, कबूतर भी दाना चुककर कभी इधर कभी उधर उड़ रहा था। राजू झटपट उठकर नल पर जाकर दातून कर, फिर नहाकर ईश्वर की पूजा कर, अब दूध पीकर मिठाई खा, पढ़ाई भी कर। एक बार फिर से दोहराइए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं चाहती हूँ कि हमने आज जितनी भी मात्राएं पढ़ी हैं, जैसे कि आ, ई, ई, उ,
कि जितनी भी मात्राएं आज हमने पढ़ी है, इन सभी मात्राओं के एक एक वाक्य की आप सुलेख करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।